सुबह बखैर नाजीन, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के किस अजकिस नशस्तस मज तुह सारे वन इस्तकबाल तो खैर मकदम वसि वंजि टीम गुड मॉर्निंग जे एंड के तरफ रच रच तो रहमश उमेद बारगाह रब्बुल आलमीनस मज उस खालिक समावात वल अर्द उस मोहतमिम खुशकी हिंद तो तरुक तस्ंदिस बारगाहस मज ये दुआ ये मुल्क कशीर पत्मो कहो दोहो पे सख्त गर्मी तो सख्त खुशकी तो हखे मज मुबतला तो बारगाह रब्बुल आलमीनस मज उस मोहतमिम खुशको तरुक जिक जल्द अज जल्द ऐसिन फिटिन ये खुशकी फिटिन ये हखे अके मौकूल बारान सत रहमत बारान सत ताकि बे अके लटि लबि जहार तो बहार सोन फसल खास करित उस नुकसान ये के जरिए कुमिल बायन गुसान वनकसन सब्जी दान वगैरह तो आबपोशी हिंद सख्ती आबच सख्ती चन आबच खन आबच सख्ती तिश वस अगर वो बेशतर सन आबी जखर तम वस खुशक गमित यह दुआ बारगाह रब्बुल आलमीनस कि मौकूल रहमत बारान ऐसी अस नसीब जल्द अज जल्द यम सी बहार लबो बे सुई जहार लबो इमे रच वमेदों सत करो अजक प्रोग्राम इस्तकबाल तो इस्तकबाल करने तुंदिस खदमत मज जमेजबान बनियाज बट तो मे सत लर लोर मे सत बा सब दोस्त बोय वसा मे बसान अल्लाह ताला बूजन दुआ करो तो अल्लाह ताला थन अत कान तो नाजरीन ये चूंकि आज कसन ये तुम पन्न मामला खुद दुआ करो इस इजमी मामला वस मसल दरपेश अत खुद तो खास कर दुआ मुबलिक हजरात तम तान तरफ ये गुजारिश क्या कि वसा कह नसान सुन महफिल मजलिस मज बफा दुआ कबूल बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर जरूर बिकॉज गर्मी बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा है एंड सोन आज गेटअप टिशु ये भी बताता है कि अटायर ब्लेजर या सदर की तो गर्म ज्यादा तो और माशाल्लाह आप स्मार्ट लग रहे हैं माशाल्लाह स्मार्ट लफ्ज बूझता मे मगर आजकल नाजरीन वसाफ जरा खशियत तैयारी गसान स्मार्टी सोरी ना ना अगर तुम ये लफ्ज वनो ना आज ब्रो वरी तेल ठीक चीज मगर वन वसा वन मे अव मूजूब खशियत तैयारी गा क्या असम फोन सद सद पता स्मार्ट फोन बिल्कुल यमो स्मार्ट फोन क्या कर यमो नु करार यमो नु शुन गिंदन यमो नु अ पान वे मोहब्बत उस तम साधारण टी वी घर मज कलर टी वी अस कर कन्वर्ट स्मार्ट टी वन मज वन चैनल त बोजन कहें कन थोड़ा ब्रो पक मीटर आसान वंदस उस पावर आसान कहें रेत काल आसान पावर मगर अस लग स्मार्ट मीटर वन रेत काल तुथ पावर बड़ बड़ो सारे घर ये शिकायत गर्मी हिंदिस हालत मे पावर सद ज्यादा शहर खास यह बनो स्मार्ट तो वन जन गई सठा तंगी उस आलरेडी जरा तंग तम साइकिल वगैरह लगम तम अगर तुम वो तम बसान कर् जन फुटम हिश तो हवा सोलमुत नीरतन तो तंगी तो खास मार्जन जन माशाल्लाह लग टाइल तम टाइल अलहमदुल्ला सन दुकानदार बो इस्तेमाल कर सामान थवने के हको तम वन तहन यह सब बनो वे पेडिस्टन पाथ पकन स्मार्ट चीजा उस सठा ठीक खुशाइन सो स्मार्ट बस मगर तथ वे ये गसान यु ब्रो कुन पकान मे बसान कि सजन बर साव हस क्या कि वत तीचा लक्ष गाड़ी तीचा बड़ सो असल चीज तथ इंशाल्लाह अलहमदुल्ला ए सी तलान असल पे खसान पेठ कफी सवार लेट नाइट तलान सह खुशाइन कत असल पॉजिटिव कत मगर वत तीस लक्ष कि तम बिल्कुल यह बसान जन चाव सर पज पे बिल्कुल नियाजबा तक दोन त्रेन पॉइंटन पर तो उसमें मैं भी ऐड करना चाहूंगा कुछ तो इससे लास्ट दो तुम बस सुन तो और ये हमारी बहुत शिकायत है कि यह घर तुलान ज्यादा पर यह समझन की जरूरत है कि वनक कंस्ट्रक्शन चलान सड़के तो सड़क से बिल्कुल चटित मतलब मैं तो बहुत ये मजाक टर्म में मैं उसको बताऊँ अस वस तोरा बोरास मज तो जो सड़कों का हाल है बिल्कुल फुटरम सड़क डाउन टाउन मजा ज्यादा घर स्मार्टनेस करो ना स्मार्ट गो जल्दी यी कर मगर दलील अगर पे
علاقہ بہ ذکر کر پتم زری وت نشاتس کم چلان تو تم کہ وجہ سے تکلیف انفراسٹرکچرس پرابلم گئی سان طرف یہ گزارش کہ ونکس ارباب اہل و عقد بوزان آن یا وچان آن سان طرف یہ گزارش کہ جلد از جلد گھن کام مکمل گھن تاکہ اس تکلیف اس پتمو اکو دو وریو پہ وچوین سہ تکلیف گھس گھن دور تو اک مقول چیز اس مقول چیز آنے سوسائٹی حساب پنہ سماج حساب پنہ انفراسٹرکچر حساب سہ گھس بالکل ممکن گھن اس خاطر بالکل نیاز بھائی بیس مے باسان کہ یہ فلی سمارٹ تین بہت دبو کت پہ یہ انیشلی سائن بورڈس لگے تھی اصل وچمت ایم اے روڈ لال چوکس لگے تم پارکنگ سائن بورڈ سو مے کرے تر پہ اخ سٹوری تھی تو مے دب یہ شاید جی پی ایس نیویگیشن پہ پکان کہ مگر یہ پہ سچ وچ تو یہ سود مینولی جسٹ دیٹ پارکنگ سو سائن بورڈ تنس لگے تو وہ بھی پوری طرح سے جو باہر کے ممالک ون ڈے اٹس لائک دیٹ کہ شون ایشن کہ ونان کہ روم ایک دن میں نہیں بنا اس میں کچھ چیزیں ہمیں بھی ضرورت کرنے کی ہے ان انفرادی طور چھ اگر شہری چھ یا اگر ٹیکس پیئر چھ یا یم تہ چیز اسہ ذمہ داری چھ انفرادی طور تم پزن اسہ ضرور کرن پتہ ہیکو اس مطالبہ کرت اجتماعی طور پنن یم اہل اقتدار چھ یم آرگنائز ہیڈ چھ تمن ہیکو پتہ اس کرت یہ دعویٰ کہ امن امن چیزن من بہتری اننی ضرورت سانی پروگرام اگر اس صبح کت بات کر ات متعلق یہ چھ یہی دلیل کہ اس پکناو اخ قدم بہتری کن اس تلو اخ قدم بہتری کن بیش بہت ضروری آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس تھی پٹر یتھ بنا تم کرک باجے پٹر مار تم پچ پوس سے سامان دار تو تمن پر سامان تو سوک سنس اس اجتماعی شعور یہ قومس چھ اکس اجتماعی شعورس واتنس کی وقت لگان مطلب اس میں کچھ وقت لگتا ہے ضروری ہے کسی بھی چیز میں چاہے اس سیاسی شعور وچھوا چاہے اس مذہبی شعور وچھوا چاہے اس اقتصادی شعور وچھوا چاہے پتہ اس زندگی گزر بسر اورل ڈائمنشنز پٹی پر چھ کہ نت کہ کہ نت کہ وقت لگا انشاءاللہ الرحمن اس کسو اکس بہتر شعورس کن تو مگر حال چھ گرم صحیح گرم کیا روزے تو موسم کیا حال روزن ناظرین تہ آسن پیاران تہ تہ ما ون کیا رس خبر کیا چھ آز موسم تہ رس خبر چھن کہ مطلب جزوی طور اور آلود رہے گا آج سری نگر میں اور زیادہ سے زیادہ 37 ڈگری سیلسیس 37 ایک بار پھر سے میں آپ کو بتا دوں 37 روز آج تو کم سے کم 19 ڈگری سیلسیس اگر یہ جمش کرو جم روز آج 35 ڈگری 35 ڈگری ہی رہے گا اور زیادہ سے زیادہ 35 اور کم سے کم 27 ڈگری بدل گئی سب تدبیریں ہیں الٹا ہی ہے نا سب تدبیریں بدل گئی تو لہ میں 29 اور کم سے کم 9 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے وہیں شاہراہوں کا حال NH44 سری نگر جموں نیشنل ہائی وے پہ آج چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے تاہم مال بردار بڑی گاڑیوں کو آج جموں سے سری نگر کی طرف روانہ کیا جائے گا سری نگر سنمر گمری روڈ پہ آج پہلے چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو کرگل سے سری نگر کی طرف روانہ کیا جائے گا ایک کٹ آف ٹائمنگ کے بعد چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو سری نگر سے کرگل کی طرف روانہ کیا جائے گا مغل روڈ پہ آج چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے مزید جانکاری کے لیے آپ کے ٹیلی ویژن سکرینز پر بھی نمبر دستیاب ہے نمبرات پر کال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سوشل میڈیا ہینڈلز پر سوشل میڈیا نیٹ ورک سائٹس پر آپ اورلی اپڈیٹس بھی حاصل کر سکتے ہیں تو یہ تو موسم کا حال تھا کچھ ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا تو آج جمہور کے مبارک جمہور کے دہ اخ محبت مودت پیش کران سون سہ روایت روزم یہ نعت یا کلام بحضور سرور کائنات یم پیشوا مرسلین ہند سردار مرسلین شاہ محتشم تو صاحب خلق عظیم تہندس خدمت مز محبت مودت کوشش کران اکہ نعت شریف تو ناظرین بوزو اس ناظرین بوزو لبو فض وچان روزو پروگرام گڈ مارننگ جے این کے یا نبی آت خات و خالاس بولگائی نور برے تیس آت جمالاس بولگائی ذات پاکان باک شنائی لے مقام وات کوس چنیس کمالاس بولگا
چانے گا منوار کائنات یا نبی چانے جمالاس بولگائی ودوحا تاریف رویک در قرآن موی واللل ظلف خالص بولگائی پان فرمو ووت شفاعت چوم کرون یا شفیع مدرس مقالس بولگائی کس شفیع کا چیسوا چھوم یا نبی ہا شفیع کو ات خیالس بولگائی آل اصحابن تیارن چانن سیدنا حضرت بلال بولگائی سال یک نا لال وند ہے پادنی کیا خطا چھوم آت ملالس بولگائی نور چانے گو منوار تاٹھ نبیو آد جمالس بولگائی ذات پاکن بخشنائی آلی مقام واچ کوس چنیس کمالس بولگائی ودوحا تاریف رویک در زلف خالص بولگائی موی واللل زلف خالص بولگائی
उस शफी का चे शिवा छूम या नबी ताच नबी यो आत खयालास वो जाए जाए छे चाशक वने दिवान साय करे जेम दाग दारस वो जमालास वो लगाय चिहकन तारीफ करीम दर कुरान मोय वल्लल जुलुफ खालास वो लगा। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के। तो नाजरीन मोहतरम, मेरे सामने अखबारात की सुर्खी, श्रीनगर रिकॉर्ड्स हॉटेस्ट डे आफ्टर 18 इयर्स। ठीक है, इशू अर्धावरी पत फुटरो आज ही रिकॉर्ड। पर इसके साथ ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा नाजीन में, पारा 1980s मज 37 गोमुत हाइस्ट ये तो वो भी इसकी में ये रिपीट साइकल से गसा मान या ड्रॉट ऐसतन या सहला ऐसतन ये शु क्या तगयुर या तबदुल हकान ये थन क्योंकि पाच इंसान से यादाश कमजोर आसान ये शु ऐस पात मुमकिन गसा ये मो अखबारो वगैरह जरिए वन चु यो है कि वन चु आज ये गरम आत्मस क्या सॉल्यूशन है गसा सॉल्यूशन जा सिंपली किसी जगह जाइए आप नहाइए वाइए नहाइए मगर मैं शिपवान अस्पताल नहाने पे एक शेर है हालांकि सुश पॉलिटिकली एक पॉलिटिकल सिचुएशन पे लिखना आमुत दपन की आग बह रही है यहाँ गंगा में जहलिम में भी आग बह रही है यहाँ गंगा में जहलिम में कोई बतलाए कि जाए हम नहाने कहाँ। ठीक, हम कहाँ जाए नहाने पीने क्योंकि हर जगह गर्मी है। किसी अगर सेहत अफजा मकाम पे भी जाएंगे वहाँ बहुत गर्मी है मगर एक खास ख्याल ये क्योंकि आजकल गर्म टाइम पे शुरी लगे लगे स्नान कॉलन पे तुम खास ख्याल तुम खसूस बड़ बच्चे तथा तम पज ख्याल थोन कि तम गम स्रि जान इन जान कह जानी नुकसान गे आप हमें स्विमिंग पूल में कब ले जा रहे हैं वहाँ जाएंगे लेकिन पहले वो हम डिस्कस करेंगे एक वक्फे में इस कोत गसो क्योंकि एक वक्फा का मौका यहाँ पर आता है। पहले हम वक्फा लेते हैं फिर उसके पार मेहमान से मुलाकात कराएंगे। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, जरूर देखिए। पहले यह मुख्तसर सा वक्फा, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेएनके। कश्मीर एक नाम एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। नाज़रीन तो शुभम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के। ये मैं ब्रेक ब्रोह तो उस बारस करान के आज से अस खास मेहमान, खास मेहमान सित करना होती तारुफ टाइम ब्रोह मन बतोई के नाम यम औसित तुई बिल्कुल मसूद ऐसी कि तो ऐसन तिम नाव मालूम तिम दुनिया बज बज पर्सनालिटी यमन मज जॉन मिल्टन हेलरी
یمن منز مارلی رنوے یمن منز لوئس بریل یمن منز دیو مہتا یم چھ بڑ کہ ناو یمو ادبس منز یمو اولمپکس منز ایتھلیٹس منز پنن ناو روشن کور پور دنیا منز مگر یمن کہن ناون تہ بیئی یمن سہت واریہن کہن ناون وصاف کیا پان ون میول چھ یمن چھ اکھ میول اکوٹے کہ یمن اس یم سہی یم شخصیت چھ یمو دنیا منز پنن ناو سٹھا مشہور تہ مقبول بنو پنو قابلیتو ست مگر اکھ خصوصیت یس یمن سارنی اس یم اس سپیشلی ایبلڈ یم اس یس قوت بینائی چھ تم نش محروم مگر اس قوت بینائی اس تم نش محروم آسن باوجود تہ کر یمو ایس ترقی کی دنیا منز یم مثالی کردار ونکس بعد انسان یسان کہ ایس ترقی کرہا یوت لکھا یتس اولمپکس منز دورہا یت چیز کرمت یمو زندگی منز ام سی چیز سے کہ ثبوت ملان اکس انسانس کہ انسان نس چھ اکس آزمائش منز یلی تراون یی یہ چھ زیادہ اصل پٹ محنت کران تہ زیادہ اصل پٹ اباران پنہ صلاحیت امی صلاحیت ہند اکھ مہمان تہ خاص مہمان اس یت کشیر ہند اکھ تارک بننے خاطر انشاء اللہ رحمان تیار کیاز کہ تم تہ تت محنت کس وت پہ تتھے کن گام زن ات کن یم بج شخصیت اس ست اکھ خاص مہمان محمد شاہد یم شاہد محبن کے نام سٹھا مشہور یمن انٹرنیٹ کن واریہن سائٹن پہ یم فیس بک وغیرہ چھ تت پہ تہند شاہد صوب سٹھا سٹھا استقبال تو خیر مقدم یقیناً اکھ خاص مہمان سنس یت اکس خاص نشستس مز سان طرف تہد سٹھا استقبال تھینک یو سو مچ نو اٹس ا پلیجر فار می ٹو بی ا پارٹ آف دس کانورزیشن فرینڈلی کانورزیشن تھینک یو فرام مائی ہارٹ ماشاء اللہ مجھے سب سے پہلے بات تو مجھے یہ اچھا لگا ان کا کانفیڈنس ہی دیکھیے کانفیڈنس ماشاء اللہ یہ میں اس بہ امہ برو تہ عرض اس کر کہ بہ ون ناظرین بی اک لٹ دہراو بہ یہ کت کہ شاہد صوب سپیشلی ابزرو اس قوت بینائی سے تم نش محروم اللہ تعالیٰ سن اکہ نعمت نش مگر یہندس ناوس منس یمو ناو موحوبین موحوبین مطلب گو گفٹڈ موحوبین مطلب گو کریٹو ماحول مس مزہ سپیشل تم کیریکٹرز آن تم خصائص آن یم سی تم پن زندگی تو باقین ہن زندگی تہ روشناس کران الحمدللہ شاہد صوب اس خاطر یم کت ہن شہادت تو یم کت ہن گواہی کہ اگر مشکلات آن اگر کوئی مشکل ہوگی وہ مشکل نہیں ہے وہ آپ کے لیے ایک سپیشل ایبلٹی ہے سوچا خصوصیت تہ مز یہ خصوصیت شاہد صوب یم کہ وجہ سے آج تھی اس سال انو یت پروگرامس مز اس کرو مختلف جہتن پہ کت یم تھی مشکلات گمت تمو ست کت کن تھی لڑ کرم ہاؤ یو ہیو اچیوڈ دا تھنگس آپ نے گریجویشن کی ہے آپ ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹر ہے وہاں بھی ہے اس کے علاوہ آپ بہت سی جو اویئرنیس پروگرامز ہیں ان کا بھی حصہ ہے یم ویژولی امپیئرڈ آن تم سارے کتن پہ کرو کت مگر گوڑ گو ذرا پت کن بچپن کیسا گزرا آپ کا کہاں سے آپ کا تعلق ہے کت چھو تھی روزن ول جو بچپن کی کچھ یادیں ہیں اور جو یہ امپیئرمنٹ ہے یہ کب سے ہے یہ تو بچپن پہ اس بارے میں آپ تفصیل سے ہمیں بتائیں جی شاہد ہے میرا نام جیسے آپ نے فرمایا تو اس کے ساتھ ساتھ مطلب لوگ مجھے جانتے ہیں شاہد محبین کے نام سے اور یہ محبین آپ نے خود چوز کیا ہے کہ تو استاد مجھے گریجویشن میں کچھ یو نو ٹیچرس مجھے ملے اور ہر کوئی مجھے کہتا تھا کہ آپ بہت ڈفرینٹ ہو اور آپ مطلب ایسے بھی مجھے سننے کو ملا تھا کہ جو انڈین ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں آپ اس کے لیے آپ نہیں بنے ہو تو مطلب بہت کچھ مجھے سننے کو ملتا تھا تو دیٹس وائی یو نو مجھے لگا کیونکہ پھر آج اے آئی کا زمانہ بھی ہے اور مطلب اس میں وائس ٹھیک ٹھاک رہا ہوں اور اس کے بارے میں اسپیچ بھی دیتا تھا میں کلاس رومز میں کالج میں اسپیشلی تو لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے یا ہمارے بارے میں تو پھر اسی طرح سے پھر مجھے ذہن میں آیا کہ محبین شاید اچھا رہے گا محبین مطلب کیا ہوگا اگر اس ناظرین یا گفٹڈ یا کریٹو اینڈ اٹس اے پلورل ورڈ تو میں چاہوں گا کہ کیونکہ آگے جو میرا یہ میری جو یہ اسپیشل جرنی ہے میں چاہتا ہوں اگر اس میں جو بھی جڑ جائے تو وہ بھی ایک کریٹو وے میں کام کرے یا تو اگر میں بچپن کی بات کروں بچپنس مز کیا اس کا چھٹی پالی امت بڑی امت سکولنگ کا چھ گمزن تو گھر کس معاملوں سو کت اس جی تو بچپن بھی اگر بچپن کی اگر میں بات کروں تو بچپن تو ویسا ہی رہا ہے جیسے عام طور پر رہتا ہے لوگوں کا بٹ نو ڈیو ٹو ڈسیبلٹی تو بہت مشکلات آئی ہیں نو ڈاؤٹ ان دیٹ
बट जब मैं यू नो 2.5 साल का था तो मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ था. मेरे चाचा के यहाँ वो एक नया मकान बना रहे थे तो जी तो उस वक्त एक बड़ा यू नो बड़ जात कहीं पे मैं कलश बैठता हूँ. हाँ जी तो उस वक्त मेरा बहुत यू नो ये हुआ था, लॉस हुआ था, वीक हुआ था मैं बहुत ज्यादा. तो अब हमें एप्रोप्रिएट नॉलेज नहीं है कि मैं बाय बर्थ हूँ कि नहीं, क्योंकि जो मेरे घर वाले हैं वो कहते हैं मुझे अभी भी कि आप बहुत हेल्दी थे जब पैदा हुए. अच्छा, बहुत ज्यादा हेल्दी में था और मेरे बचपन के फोटोज भी हैं. तो अगर आप देखोगे तो आपको आप भी कहोगे इसको आईसाइट इंपेयरमेंट नहीं होगा शायद. बट अब बहुत छोटी एज में मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ है तो इसीलिए वी कैन नॉट से कि ऐसा कोई एप्रोप्रिएट ख्याल बिल्कुल. तो इसी के साथ साथ फिर मुझे याद नहीं है बट मेरी मम्मी मुझे कहती थी कि जब आप छोटे थे और आप मेरा जो कजन है उसका एडमिशन लेना था तो मैंने सुना और मैंने बर्तन वगैरह फेंके हैं बाहर कि मुझे भी स्कूल जाना है और मैं बहुत अच्छा। मैंने बहुत रोया है. तो घर वाले उनको नॉलेज नहीं थी कि अब ये कैसे पढ़ पाएगा वहां पर वगैरह वगैरह. तो फिर जब मैं फिर जो मेरा भाई था वो भी उन दिनों छोटा ही था, टीन एज में था वो. तो उन्होंने वो उठ के उन्होंने मुझे लिया वो मैं और मेरा जो मेरा कजन है वो भी. तो वहां पर मुझे कहा गया था अलिफ बे लिखो, ए बी सी डी लिखो. तो मैं ए बी सी डी लिख पाया स्मॉल और कैपिटल और 1 2 3 4 भी मैं लिख पाया बट अलिफ बे में नहीं लिख पाया. तो उन्होंने कहा था इसको यूकेजी में डालेंगे. तो लेकिन मेरी एज भी छोटी थी, आई वॉज 4 years old एट दैट टाइम. तो मुझे सही टाइम पर मतलब एडमिशन मिला था बचपन में. तो उन्होंने बांडीपुरा में रहता हूँ. बांडीपुरा उसको आयतमला बोलते हैं. आयतमला जी जी. सो फिर जब वहां पर स्कूल में मैंने एडमिशन लिया तो फिर ठीक ठाक चल रहा था बचपन. बट मैं भी बच्चा था, मुझे जब भी मैं यू नो बाकी लोगों को कॉमन स्टूडेंट्स को देखता था कि ये खेलते थे फुटबॉल खेलते थे वॉलीबॉल खेलते थे, मैं नहीं खेलता था. तो डर भी था और मुझे एहसास था एक क्योंकि इनसाइड लर्निंग होती है एक ह्यूमन बीइंग में. तो एहसास तो होता है कॉमनली, जानवरों में भी एहसास होता है किसी हद तक. तो एहसास था मुझ में कि नहीं आई एम लिटिल डिफरेंट और मैं ये नहीं कर सकता, मुझे लग सकती है अपने वजूद का एहसास होता है. जी बिल्कुल. तो फिर मैं भी पार्टिसिपेट नहीं करता था. लेकिन बदकिस्मत की बात यह है कि टीचर्स जो है वो भी अनअवेयर थे, उन्होंने पुश नहीं किया मुझे कि हम आपके बारे में रिसर्च करेंगे वगैरह वगैरह. तो फिर क्योंकि टेक्नोलॉजी भी ठीक ठाक ही थी, इंटरनेट फैसिलिटी थी, नोकिया फोन था, सिम्बाइल फोन थे, नोकिया फोन और मेरे पास मैंने बहुत सारे फोन यूज किए हैं और मैं वीडियो भी बनाता था बचपन से ही. भले ही मुझे दिखता नहीं था ठीक तरह से, मैं ऐसे ही वीडियोज बनाता था कमरे में, बाहर निकलता था और मुझे नहाना बहुत पसंद आता है मतलब इसमें नदियों में. तो मैं तो मैंने बहुत नहाया है, घर वालों को मैं नहीं कहता था. अच्छा, बट मैं बचा हूँ आज तक. तो ये आज आप आज खुलासा कर रहे हैं, खुलासा आप भाग के नहाते. हाँ राइट. और उसमें नहाने में साथी कौन रहता था आपके, कोई दोस्त फ्रेंड्स होते थे? हाँ मेरे कजिन और फ्रेंड्स, कभी जूनियर फ्रेंड्स और सीनियर फ्रेंड्स बहुत होते थे और नहाते थे हम वहाँ पर. और स्कूल के बाद ही हम जाते थे नहाने के लिए. तो मस्ती तो मैंने अच्छी खासी की है लेकिन प्रॉब्लम्स तो बहुत ज्यादा हुई है, नो डाउट इन दैट. अच्छा, अगर इस इंपेयरमेंट की बात करें ना, यूसी स्पेशली एबलिशन है, इसकी हम परसेंटेज कुछ डिसाइड कर सकते हैं कि तुह कूत तह कह बोजन अगर अस ये बिहित तह कह कलर्स या उसमें कुछ डिफरेंशिएट या डॉक्टर ने कैसा कहा है इस बारे में, कितनी परसेंटेज क्या तादाद फीसद? तो एज पर माई मेडिकल सर्टिफिकेट मुझे 70% है आई साइट इम्पेयरमेंट. तो बट मुझे लगता है कि उससे ज्यादा ही होगी, 85 तक हो सकती है. और मुझे जितना ब्राइट लाइट होगी उतना मुझे दिखता है. अच्छा, okay. जैसे कि सन लाइट है तो उसमें मुझे ठीक ठाक दिखता है. ठीक. मतलब उतना ठीक ठाक भी नहीं कि मतलब साइट की तरह, हाँ हाँ उतना नहीं, बट इम्पेयरमेंट तो हर हमेशा रहती है मुझमें, बट थोड़ा बहुत दिखता है. तो इमेजिनेशन है, ब्राइट कलर मुझे दिखता है. ब्राइट कलर जैसे कि बुक का कलर व्हाइट होता है तो वो मुझे दिखता है पेजेस का, कि आपने ब्राइट कलर का ये पहना है अपर तो ये दिखता है व्हाइट कलर का, इन्होंने डार्क पहना है तो ये मुझे लगता है कि ये डार्क है, दिखता है कलर नहीं हो जाता. कलर नहीं एग्जैक्ट. हाँ हाँ. तो ये है, बट जब धूप में मैं सभी कलर्स को देखता हूँ तो वो मैं आइडेंटिफाई कर पाता हूँ कि येलो कौन है, ब्लू कौन है. जी जी. जब धूप में बाहर देखते हैं. अच्छा, इससे पहले कि और हम पहलुओं पे बात करें, शायद सब मैं हम जानना चाहेंगे कि भाई बहन कितने थे घर में, सिबलिंग्स कितने थे? हम यू नो वी आर 4 sisters एंड आई हैव अ सिंगल ब्रदर. तो टोटल हम 2 brothers हैं एंड 4 sisters. अच्छा, अपनी तालीम के सफर में बताइए हमें, आपने चूंकि आप एक स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट रहे हैं तो तालीम आपने किस तरह हासिल की और कहां तक अभी तालीम का सफर कहां पहुंचा? जैसे मैं पहले भी मैंने कहा कि
आइडिया नहीं था ब्रेल के बारे में या स्पेशल एजुकेशन के बारे में आइडिया नहीं था, रिकॉर्डिंग का कॉन्सेप्ट ठीक तरह से नहीं था, तो बहुत मुश्किल हुआ मुझे. इवन मैं जब स्कूल जाता था और वहाँ पर होमवर्क देते थे टीचर्स, तो वो उसको चेक भी नहीं करते थे दूसरे दिन कि इसने लिखा है कि नहीं. कभी कभार कोई करता था बट मैक्सिमम टीचर्स नहीं करते थे. वो बहुत ज्यादा अनअवेयर थे मेरे बारे में कि इसको हम पढ़ाए कैसे. और ब्लैक बोर्ड मुझे नहीं दिखता था बिल्कुल भी, और सभी स्टूडेंट जो है वो कॉपी करते थे ब्लैक बोर्ड से, लेकिन मैं नहीं कर पाता था. तो इस तरह से मैंने बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस की है. इवन कभी कभार स्टूडेंट्स हंसते भी थे मुझ पर कि ये नो, कभी टीचर्स भी बोलते हैं कि ये खुद ही खुदा है सवाल. तो बट होपफुली अभी अगर वो देख रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा कि मैं खुदा है सवाल हूँ कि नहीं. क्या बात है. ये जो आपने जुमला कहा ना, ये बहुत है, और इससे आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड और कुछ करने की जो होता है ना, कि कतरे खूने जिगर सिल को बनाता है दिल, जो अंदर खूने जिगर हो ना, कतरे खूने जिगर, वो आपके अंदर मौजूद है, वो आपके अंदर इस तरह उबल रहा है कि इंशाल्लाह रहमान शाहिद मोहब्बिन एक दिन एक ऐसा नाम होगा कि मैं फिर एक दिन कहूंगा कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक बचपन के जमाने में बहुत किया था. खैर, खूबसूरत तरीके से कैसे उसको चैनलाइज कर रही है एनर्जी को, इस पर हम मजीद बात करेंगे. जी एक वक्फे के लिए, बिल्कुल वक्फे के उस पार मजीद गुफ्तगू होगी आज की हमारे मेहमान से, और अखबारों की सुर्खियां भी आप तक पहुंचाएंगे. बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के. कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में जो बने हैं खैबर सीमेंट से, और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से. खैबर सीमेंट, दिल से बना. ए संभल कर, आई मारो पापा फॉरेन थी लाया अभी. और हाँ, ए ए ए भाई नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो. ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें. अरे वाह दिकरा, एकदम बराबर. रिस्क समझ कर लेने का. सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर. कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में जो बने हैं खैबर सीमेंट से, और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से. खैबर सीमेंट, दिल से बना. जी वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के, और वक्त हो चुका है अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाने का. मेरे पास मकामी अंग्रेजी रोजनामा, इससे दो सुर्खियां आप तक पहुंचाना चाहेंगे. पहली सुर्खी सुनिएगा, एलजी हाइलाइट्स जम्मू एंड कश्मीर एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन एट IUST कॉन्वोकेशन. इसी अखबार से एक और सुर्खी, ECI ऑर्डर्स सेकेंड स्पेशल समरी रिविजन ऑफ फोटो इलेक्ट्रोल रोल्स इन JNK. जी मेरे हाथ में उर्दू अखबार रकम तराज है, लिखते हैं कि करगिल विजय दिवस की तकरीब द्रास में आज फौजी सरबराह करगिल पहुंच गए. वजीर आजम आज सुबह द्रास में लैंड करेंगे, फौजी कमांडरों से बात होगी. इसी अखबार से एक और सुर्खी है, श्रीनगर शहरोगाम में कयामत खेज गर्मी का कहर जारी, शहरी निढ़ाल, बारिशें न होने से दान की फसलें तबाह, सब्जियां और मेवा खराब, अक्सर इलाकों में सूखा पड़ने का एहतमाल. जी और नियाज भाई, इशू ये जो आपने अभी अखबार की सुर्खी पढ़ी ना, तो ये है कि तावश्यूर सब्जियां वायरस ज्यादा है, ये बात है इस वजह से. तो मेरे पास नाज़रीन एक और उर्दू रोजनामा, इससे भी एक सुर्खी आप तक पहुंचाना चाहेंगे. 4,25,000 यात्रियों ने अमरनाथ में शिवलिंगम के दर्शन किए. जी मेरे हाथ में अंग्रेजी अखबार है, लिखते हैं कि India dismisses the US travel advisory as a routine matter. Don't travel to the Jammu and Kashmir and Manipur. US asked to nationals not to travel to the Jammu and Kashmir and Manipur. Ji mere paas aakhri angrezi roznama We the People unwan se ek surkhi aap tak pahunchana chahenge. Rising temperatures, population and decreasing oxygen levels in water bodies have affected aqua ecosystems quite adversely in Kashmir. Needs attention. Ji
मेरे हाथ में आखिरी अखबार है, लिखते हैं कि चीफ सेक्रेटरी का सार्फिन को मयारी पानी और बिजली की फराहमी यकीनी बनाने पर जोर, आवाम को बुनियादी सहूलियात के मुनसिफाना इस्तेमाल की तलकीन भी की गई। खैर, हमारे साथ आज जो मेहमान तशरीफ फरमा है मोहम्मद शाहिद मोहबिन। शाहिद साहब, हम नाज़रीन आपसे भी ये गुजारिश है कि जब हम ऐसे स्पेशली एबल्ड किसी मेहमान से ये गुजारिश करते हैं कि आप प्रोग्राम में आए, हमारी असल गर्व और मुदा और मकसद दो चीज़ें रहती, एक ये कि हम इनकी हौसला अफजाई की, क्योंकि इनका हौसला अल्हम्दुलिल्लाह पहले से इतना बुलंद रहता है कि हमारे हौसला अफजाई की ज़रूरत फिर रहती नहीं है। लेकिन फिर जो दूसरी बात ज़्यादा खूबसूरत हमारे लिए रहती है वो ये कि इनसे हमें इंस्पिरेशन मिलती है। यकीनन हम इस जज्बे से आए थे कि हम आपकी हौसला अफजाई की आपने, लेकिन जब आपकी बात सुनने को है अब मुझे ऐसा लगता है कि हौसला अफजाई नहीं, हम इंस्पायर होंगे। जब जिंदगी में कोई मुश्किलात मुझे आएंगी, मुझे शाहिद सामने याद आएगा। खैर, हम सफर की बात कर रहे थे, एजुकेशनल सफर, तो टीचर्स का उतना खासा सपोर्ट ना रहा, उसमें उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि तीसरा अवेयरनेस आसान कहीं स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स खास महरूम आसन बीनई निश तिमन सत्य करो हैंडल, या ब्रेल कॉन्सेप्ट तूत कहीं त, मगर तुम अलहमदुल्ला ग्रेजुएशन कोर। ग्रेजुएशन के सफरस में आसन के मुश्किलात आम, आज खुले दिल करो इसे कत, क्या मुश्किलात आई तो कित कहीं करो तुम सत ला। तो वक्त के हिसाब से बोलना पड़ता है, वरना जो मेरी स्टोरी है इस पर दो तीन मूवीज बन सकती है। कोशिश करूंगा कि कवर कर पाऊं मेन पॉइंट्स। तो वही है, एजुकेशन सिस्टम पर यहाँ पर सवाल उठता है, क्योंकि एजुकेशन के ही जरिए हम चेंज बहुत ला सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक्सक्यूज दे सकते हैं कि टीचर्स को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट एक पॉइंट है कि अगर वो यू नो एजुकेशन में है, ये सिलेबस लाया जाए अबाउट अस बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं, बेसिक इन्फॉर्मेशन बचपन प्राइमरी स्कूल। जी 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 हाँ, क्योंकि हियरिंग डिसेबिलिटीज भी होती है, अक्सर टीचर्स पीटते हैं बच्चों को, उनको आता नहीं होता है, लेकिन मे बी ही माइट हैव हिडन डिसेबिलिटी। मशहूर मूवी टाइम से चॉइस सबक मिला कि सोच डिफरेंटली एबल्ड लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, तो उसकी वजह से बहुत ये होता है, लेकिन टीचर जो है वो जज करते हैं कि ये ह्यूमन डाउन, बट कोई बात नहीं, उसको अगर पढ़ना नहीं आता है तो किसी चीज में कर सकता है, वो उसको काम पढ़ाना पड़ता है, राइट। तो मैं ग्रेजुएशन की बात करूंगा अभी, तो ग्रेजुएशन में भी मुझे चैलेंज का यू नो बहुत सारे प्रॉब्लम्स मुझे ये टच में एक इसका थोड़ा फुट करने की कोशिश करें, क्योंकि तू ये सिर्फ पान हकम पढ़ित लिखित तित कहीं आसानी सान कहीं ना यूस ते पत मेन एग्जाम्स दितु, चाहे बोर्ड एग्जाम्स आसन 8th 9th 10th, तो सुकित कहीं दितु तो ब्रेल कांसेप्ट करना पड़ा, सुकित कहीं दितु तो मतलब लिखवा ते पान या तासमत उसके हेल्पिंग सिस्टम से क्या मामला। पहली दफा मुझे पता चला राइटर के बारे में 8th क्लास में, उससे पहले मैं ऐसे ही खुद ही लिखता था धूप में बैठ कर कभी कभार। अच्छा। और कभी कभार टीचर्स रखते भी नहीं थे धूप में, वो कहते चलो कोई बात नहीं, ये क्या करेगा धूप में बैठकर, फिर क्या करेगा ये लिखकर, हाँ राइट। तो लेकिन जब 8th क्लास में पहुंचा मैं, तो मैंने स्क्रैप के बारे में मुझे पता चला कि राइटर होता है, स्क्रैप अगर इसे वजाहत करूं, यानी कि अगर कोई जनरल पर्सन है जिसको कोई डिसेबिलिटी नहीं है, तो वो जो है लिखेगा जो मैं उसको बोलूंगा आफ्टर द प्रिपरेशन, ठीक है ना। और इवन वो मेरे साथ डिस्कस भी कर सकता है, अगर उसको खुद भी लिखना मतलब खुद भी किसी आंसर का कोई आंसर पता है, तो वो मुझे उसके बारे में डिस्कस कर सकता है, इट्स लीगल। हाँ, मतलब तमिस मगे इसके एज या सुन सुमगे जूनियर आ सुन या सीनियर, एज पर द करंट गाइडलाइंस। पहले गाइडलाइंस बनी थी 2013 में, वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली थी, लेकिन उसके बाद कुछ इशूज हुए, कुछ चीटिंग का मामले आए थे, तो उसमें फिर ये उन्होंने किया अपडेट किया इस गाइडलाइन को। तो अब स्पेसिफिकली अगर हम आज की बात करें, यूनिवर्सल गाइडलाइन है एज पर द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड एज पर द आरपीडी एक्ट, द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, तो उसके हिसाब से जो स्क्राइब होगा वो वन स्टेप लो होना चाहिए एज पर द क्वालिफिकेशन। अच्छा, मिसाल अगर तो 10th एग्जाम शु दिवान सु गेस आपन 9th किया, 10th का तो बोन लेखन 9th का होना चाहिए, वो उससे नीचे नहीं होना चाहिए 10th के हिसाब से। अगर 10th ऊपर है तो मैक्सिमम मतलब 10th पास होना ही होना चाहिए, अगर मुझे 11th है, ओके हां ये कंपलसरी है एज पर द, लेकिन टीचर से नहीं समझ पाते हैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो डरते हैं अपनी नौकरी का भी, उनका ये होता है, तो उनको यू नो कंफ्यूजन होती है, पता नहीं अगर हम अलाउ करेंगे तो ऐसे मिला तनख्वाह के ना, तो पाई की हाँ, वो डरते हैं राइट, उनको ये होता है, फिर हमें एक एक को दिखाने पड़ते हैं गाइडलाइंस। अच्छा, तो ये मुश्किल होता है। तो होपफुली आपको ये मिला होगा इसका कॉन्सेप्ट, आओ मुजूब ती कह ताकि नाजरीन वनकस वन वे उस्ताद तन तम तम वाती कह कि यह कॉन्सेप्ट या गाइडलाइन पे ग्रेजुएशन हूँ सफर। हाँ, तो ग्रेजुएशन में मेरा फर्स्ट सेम जब था, तो मुझे उस वक्त भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन हाँ एक चीज है कि उससे पहले मैंने दो कोर्सेज किए थे, स्पेशल कोर्सेज, कंप्यूटर कोर्स जहाँ पर मैंने यू नो नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड न्यू दिल्ली वहाँ पर,
तो वहाँ से मैंने सीखा कि देखने के बगैर मैं कैसे मोबाइल यू नो कंप्यूटर चला सकता हूँ अच्छी तरह से। तो मैंने वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया। तो वहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम फर्स्ट ग्रेड लाई थी पूरे इंस्टीट्यूट में, क्योंकि वहाँ पर मुझे एक्सेसिबिलिटी मिली थी पहली दफ़ा, यानी खुद मैं लिख सकता हूँ वहाँ पर कंप्यूटर पर। तो उसके बाद मैंने मोबिलिटी कोर्स भी किया यही श्रीनगर में ही। तो फिर जब मतलब इस दौरान मुझे बहुत इंफॉर्मेशन मिली, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मुझे मिली। तो फिर जब मैंने मोबिलिटी इन द सेंस कि जो विजुअली इम्पेयर्ड होगा, जिसको ब्लाइंडनेस है या आई साइड इम्पेयरमेंट है, वो किस तरह से दूसरों के बगैर चल सकता है एक जगह से दूसरी जगह तक। और उसमें घर में भी जो एक्टिविटीज होते हैं वो भी आते हैं, डेली एक्टिविटीज, इसके साथ साथ स्पेशली ट्रैवलिंग। हाँ, उसमें फिर वाइड कैन इस्तेमाल कर, हाँ ये कैन, इसकी टेक्निक्स दी जाती है उसमें। तो इसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी है मोबाइल फोन, उनमें जो जीपीएस सिस्टम होता है उससे फैमिलियर जो है होना जरूरी है। इसका हम लूर नहीं कह सकते, ना ही स्टिक कह सकते हैं, इट्स ओनली अ कैन। इसका कोई टर्म नहीं है, इसको हर किसी जुबान में कैन ही बोलना पड़ेगा हमें। ठीक है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट फॉरेन से ही आया है पहले। मोबाइल मोबाइल ही राइट। तो ये लाठी जैसे दिखती है या छड़ी जैसी, बट छड़ी हम इसको नहीं कह सकते, इट्स अ स्पेशल डिवाइस। और अगर इसकी बात करूं स्पेसिफिकली, ये सारथी के नाम से है, एक वाइट कैन सारथी टॉर्चिट कंपनी की तरफ से है। आपका स्पेशल फंक्शन क्या है? इसका कोर फंक्शन जो है दैट इज वाइब्रेशन सिस्टम। वाइब्रेशन सिस्टम, हाँ, मतलब तो ये वाइब्रेट करता है, जोर से वाइब्रेट करता है जब आगे कुछ आता है। और उसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं एज पर द डिस्टेंस, कि मुझे किस डिस्टेंस में वाइब्रेशन चाहिए, 2 मीटर के बाद चाहिए, 8 मीटर के बाद चाहिए या 4 मीटर के बाद चाहिए। अगर 2 मीटर रखूंगा मैं तो इंडोर, 2-3 मीटर इंडोर में या जहाँ पर भीड़ होगी, और जहाँ पर खुला मैदान होगा या हाईवे होगा तो वहाँ पर 8 मीटर या 4 मीटर हम रख सकते हैं। वाइब्रेशन करता है दूरदर्शन कैंप्स लगातार मोबाइल पे क्या वजान लोकेशन वाला स्पेशल एप्लीकेशन, उसका नाम है सीइंग असिस्टेंट मूव। लेकिन उसके लिए भी एक स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए होगी जरूरी, एक विजुअली इंपेयर्ड के लिए, क्योंकि उसमें बहुत फीचर्स होते हैं। अगर उसको ऐसे ही ऑन करेंगे हम तो वो कंफ्यूज भी करता है, क्योंकि एक चीज बोलता है, वो एक एक चीज बोलेगा सब कुछ। तो उसी को कस्टमाइज करना पड़ता है कि मुझे किन चीजों की जरूरत है। मैं सिर्फ एरियाज के नाम सुनने हैं बस, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं सुना है, मुझे हाईवेज के नाम सुने हैं, तो इसको कस्टमाइज करना पड़ता है। ठीक ठीक ठीक। अगर सो या यूसी कैन इस्तेमाल करो या सो ऐप इस्तेमाल करो, उस वे बीनई नश महरूम आंसान तेस कह मद तम सत मिलान, चूंकि तुम दोनवे चीज एक्सपीरियंस करें यह कह बो मूब वन, चूंकि कह चीज अम नश अन अवेयर तुह तह करो अन अवेयर लूक आज जिंदगी तिस खूबसूरत गम आई गुजारा कहीं अम स कम हद मद मिलान बहुत ज्यादा। अगर आपको ये नहीं पता है अभी कि मैं किस नो स्टूडियो में बैठा हूँ अभी, तो यू आर अनएवर अबाउट दिस, लेकिन जब हमें पता चलता है मैं कहां पर हूँ, तो यू नो बींग ह्यूमन बींग ही मस्ट नो इट। इसी तरह से हमें पता होना चाहिए कि हमारे आसपास के एरिया क्या है, हमारा हक भी है सब कुछ जानना। तो कॉमनली बहुत हेल्प मिलती है इससे, यानी कि एक एंजल की तरह ये यू नो काम करता है हमारे लिए, आपके लिए। तो नो डाउट कि बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है इससे, और बहुत अच्छी एक्सपीरियंस रहती है, और एरियाज याद रहते हैं कि मैं कहां पर पहुंचा। इवन दूसरी दफा हमें यूज भी नहीं करनी पड़ती है इस एप्लीकेशन कभी कभार, तो हमें पता होता है हाँ इस टाइम पर हम यहाँ पहुंचते हैं, इस टाइम पर हम यहाँ पहुंचते हैं, तो पता चलता है। अच्छा, शायद ऑफ द कैमरा हम आप एआई की बात कर रहे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो कैसे हम तो यूज करते हैं, अगर इसके इतिहास खुलाऊं चैट जीपीटी या जिमनी हो गया, हम तो नॉर्मली टाइप करते हैं और हम उसकी हेल्प लेते हैं, तो आप कैसे यूज करते हैं एआई का? जी बिल्कुल, हर किसी चीज के लिए ऑल्टरनेटिव होता है, तो हमारे लिए भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो मेन ऑल्टरनेटिव इज स्क्रीन रीडर। तो अगर हम एंड्रॉइड की बात करें तो उसमें गूगल टॉक बैक होता है, एक्सेसिबिलिटी फीचर, तो उसमें तो हम सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं उसके जरिए। तो जो आपके लिए बनी होती है ना चीज, वो हम भी एक्सेस कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ स्क्रीन रीडर। तो जेमिनी हो गया या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई भी टूल हो गया, चैट जीपीटी हो गया, तो वो हम प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। तो वहां पर एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन तो वो तो होती है अक्सर आज, क्योंकि आज जो भी डेवलपर्स होते हैं उनको फीडबैक मिलता रहता है कि इस तबके के लिए। आपसे बात करके मुझे ये लगा शाहिद साहब के तुम क्या इनफॉर्मड, वेल इनफॉर्मड, कम टर्म बनो तो मे गोस मे कि वजह से ये अस ख बिल्कुल सबूत इनशाला रहमान वलिस वक्त मे जरूर शाहिद साहब सुतारुक चमकुन तारुक मुजयन कर शायद सबस पूछना है कि
इंस्पिरेशन वो आगे पूछेंगे इंशाल्लाह। क्या हुआ है आपसे, हम इजाजत लेंगे शायद साहब एक वक्त के लिए मेहमान से अख वक्फ से मुख्तसर टाइम पर चाहे प्रसन्न की शाहिद सोबस क्या बुत खाब कर नुक्त टाइम खतरे उस इस्तकामत कर्म सो कमी आई वुछान रूजु प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के। कश्मीर एक नाम एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट दिल से बना। वेलकम बैक नाजी तो शुभ प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के तस्चास बड़ खास मेहमान शाहिद साहब विजुअली इम्पेयर्ड छो और मुझे ये मैं ये वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट क्योंकि ये जो है इंस्पिरेशन है जो इन्होंने अपने लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना वो बेहतरीन है वही है क्योंकि ये क्रिएटिव है ये है तो मैं चाहूंगा तो बिल्कुल ये जो लफ्ज़ यूज किया है क्रिएटिव इशू ये मुझे क्रिएट करा समथिंग ये कॉन्टेंट क्रिएटर भी है शाहिद साहब तो उसके बारे में हम तो जानते हैं हमने तो पढ़ा है आपके बारे में हमने तो देखे भी आपके वीडियोज पर आप अपनी जबानी बताइए कि क्या क्रिएट करते हैं आप क्या कॉन्टेंट डालते हैं आप सोशल मीडिया पे जी ऑफिशियली पहले ये कर पेट आओ तक ख्याल तो अमुक ये तहरीक मिले ना ये कर शुरू गो तो सोचो बो बनाओ ये वीडियो आई बीन क्रिएटिंग द कंटेंट सिंस 2017 अच्छा उससे पहले भी मैं करता था बट वही बचपना तो उसको मैं कंटेंट क्रिएशन में नहीं रखना बट हाँ वो एक बेसिक पुश मिला शुरुआत गसा इथे गेम गिना गिना मतलब जब क्रिकेटर कोई बनता था सुच गोड मोहल्लस मज गिना लक्ष गली क्रिकेट गली क्रिकेट पांच सुबह ना टेंडोल करते विराट कोहली म्यूजिक एक व्लॉग था म्यूजिक व्लॉग मानसबल में उसको मैंने पब्लिश किया था बट विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन ओनली और उसमें उस वक्त मुझे टॉकबैक का कॉन्सेप्ट भी नहीं था ऐसे ही किया था तो इंस्पिरेशन मुझे ये मिली थी मतलब पुश मुझे मिला था कि जब मतलब मैंने ये इन्फॉर्मेशन हासिल की मुझे लगता था कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा अब बहुत हद तक ठीक है ना क्योंकि 100% तो इंडिपेंडेंट शायद कोई होता नहीं होता ही है दुनिया में डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर बट बहुत हद तक इंडिपेंडेंट होना ये मुझे लगा था कि अब मैं हो जाऊंगा बट द प्रॉब्लम वाज कि अनअवेयरनेस मुझे फेस करनी पड़ी लोगों की तरफ से क्योंकि उनका एटीट्यूड जो होता है वो नेगेटिव होता है बहुत हद तक हम नेगेटिव कहें कि हमदर्दाना होता है या खुद मालूम नहीं है उन्हें खुद मालूम नहीं है वो मतलब बहुत सपोज कोई मुझे देखेगा वो करेगा तकसीर है खुदाई सोच दवा ऐसे यू नो तो उसे क्या होगा उसे तो हम ठीक नहीं हो जाएंगे ना बट मैं नहीं कहूंगा कि वो जानबूझ के करते हैं वो एक अंदरदाना उसको कहते हैं लेकिन मसला ये कि उनके पास खुद इंफॉर्मेशन नहीं राइट राइट और ये चीजें हमें फैमिली में भी फेस करने पड़ते हैं मैं अच्छे फैमिली से बिलोंग करता हूँ मेरा फादर रेंजर रहा है बट उसके बावजूद भी मुझे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डिस्क्रिमिनेशन का यू नो फेस करनी पड़ी फैमिली में भी और हर किसी के साथ होता है जिसको डिसेबिलिटी होती है फैमिली को पता नहीं होता है कि हम इसको हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं लेकिन वो होती है डिस्क्रिमिनेशन वो होती है लेकिन नो डाउट इन दैट बट कंटेंट क्रिएशन में अगर मैं आ जाऊं तो मैं मेरी कोशिश रहती है कि इसी चीज को मिटाना यानी कि जो नॉर्मल पीपल है हमारे नॉर्मल तो कोई होता नहीं है बट समझाने के लिए बोल रहा हूँ नॉर्मल क्योंकि कोई ना कोई डिसेबिलिटी होती है चाहे वो हिडन ही हो बट होती है किसी को यू नो कोई डरता है लोगों के सामने बात करना दैट इज आल्सो अ डिसेबिलिटी बट दैट इज पॉसिबल कि वो हो जाती है किसी को एंगर इश्यूज है वो भी डिसेबिलिटी है ना यू नो ही इज नॉट एबल टू स्पीक दैट मींस ही इज नॉट बिल्कुल दैट इज अ डिसेबिलिटी तो लोगों को अवेयर करना ये मैं करता हूँ व्लॉग्स के जरिए और विद लेकिन एंटरटेनमेंट क्योंकि यहाँ पर हंसी मजाक कश्मीर में बहुत चलता है तो पहले मैं सीधे सीधे बोलता था तो इंटेंशन मुझे नहीं मिलता था लोगों की तरफ से अच्छा फिर थीक, मैंने मीम्स वगैरह यूज किए बॉलीवुड मीम्स मोदी साहब के मीम्स क्योंकि चलता रहता है वो आज तो फिर उससे थोड़ा रिस्पांस ठीक मिलने लगा और मैं इनडायरेक्टली लोगों को अवेयर करता हूँ कि मैं विजुअली इंपेयर्ड हूँ मैं देख नहीं सकता तो ये कि आप लोगों की जो नफ्सियात हो उसको समझ पाए कि ये जरूरत चलता है सोशल मीडिया पर कुछ नहीं चलता है आपको ऐसे हरकतें करनी पड़ते हैं जो आप नहीं क्या करिए बदकिस्मती है फिर मैंने थोड़ा बहुत उसका भी फ्लेवर डाला ताकि लोग मेरी बातों को समझे और आगे में मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं हंसी मजाक के साथ मैं लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ और ये जरूरी है हर किसी के लिए भी अगर किसी को एक्सीडेंट होता है यू नो जिंदगी में अचानक तो उसके बहुत सारे साल जो है ना वो ब्रेक हो लगता है उसकी जिंदगी में अगर उसको पहले इंफॉर्मेशन होगी कि देखने के बारे ऐसे को तो मे भी उसको एक रास्ता मिले एक्सीडेंट के क्योंकि कुछ नहीं कह सकते ना जिंदगी में फ्यूचर के बारे में फ्यूचर के बारे में तो ये हर किसी के लिए जरूरी है
ठीक है, आज इंजीनियर्स जब नक्शा देते हैं मकान का, वो जहन में रखते हैं जल्जले को, जहन में रखते हैं वो सैलाब को, जहन में रखते हैं, तो एक नॉर्मल पर्सन को डिसेबिलिटी जहन में क्यों नहीं रखनी चाहिए? या हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं लोग तो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता होता है जिंदगी पर भरोसा नहीं, तो दैट्स व्हाई दिस कंटेंट मस्ट बी यू नो वॉच्ड बाय एनी पर्सन, बाय एनी इंडिविजुअल। अच्छा, जो कंटेंट के दौरान अब मैंने देखा कि आप खूबसूरती का बयान करते हैं, आप किसी पहाड़ से चलने का अचानक नीचे तेजी से चल रहे हैं और फिर वहाँ के जो मुख्तलिफ मनाजिर है उनको बयान करते हैं, तो उसकी इमेजिनेशन जो है, क्योंकि आपने बोला कलर्स के बारे में उस तरह आप नहीं, लेकिन आपकी जो जबान है वो इस तरह बयान कर रही है कि स्वच्छ साफ तो शफाफ आसान जन बिल्कुल तो तित कहीं वुछ मुतन है, तो वो इमेजिनेशन कैसे आती है आपको? देखिए, आपने रेडियो पर ऑडियो सीरियल सुने होंगे बिल्कुल, कि वही खुदाए आश रूह पे हो तो वहाँ से बारिश की आवाजें हो रही होती है, तो इमेजिनेशन कितनी अच्छी हम करते हैं है ना, या एफएम पर हम सुनते रहते हैं स्टोरीज, या अगर कोई ऐसे ऑरली कोई स्टोरी बोलेगा तो जो सुनने वाले होते हैं ना वो प्रॉपर इमेजिनेशन करते हैं, फिर इसको अच्छा ऐसे हुआ होगा, तो वो अगर बोल रहा है कि क्लास में उसने मुझे थप्पड़ मारी तो हम करते हैं इमेजिनेशन, कोई थप्पड़ मारा दर्द को बयान है ना, खुशी को बयान। हाँ, तो सेम जो भी अभी मेरे साथ मैं सुन रहा हूँ अभी डिटेल्स, तो इमेजिनेशन क्रिएट हो जाती है मेरे अंदर, तो उसको बोलता हूँ सिंपली मैं। अब लोगों को लगता है कि पता नहीं ये कैसे बोल पाता है, और इवन आज तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मैंने तस्वीर खींची सेंड किया, मतलब बहुत सारे टूल्स हैं, मैं नाम भी लेना चाहूंगा, एक पूरा अगर हम बात करेंगे, लेकिन मुझे पहले आपको यहाँ रोकना पड़ेगा। आपने कहा था कि आपने म्यूजिक से शुरू किया, म्यूजिक आपको पसंद है? म्यूजिक मुझे पसंद है, पसंद है, तो उस हवाले से हमारा एक प्रोमो यहाँ चलेगा। हम कोशिश करते हैं दूरदर्शन से कि हम जो हमारा जो सकाफती तहजीबी तमद्दुनी जो विरसा है सोन विरासत पकना इस ब्रो तम खे मुख्तलिफ कोशिश करान कि तुम जवान तम से पद म्यूजिक मैं कनस मे पी कारदगी हाँ तो यह प्लेटफार्म बना तम खुद प्रोमो चलाओ वस यूथ म्यूजिक बैंड के नाव नाजरन अत प्रोमोस मे ये इंफॉर्मेशन यह कित चल ये कज बज चल ताकि तुम रूज ज्यादा खुद ज्यादा मजबूती सान रबत सत दूरदर्शन की चैनल सत गो यह प्रोमो तमें पत रोज मेहमान सत कत बात जारी। आज के इस एपिसोड में हम आप सबको सूफियाना का एक बेहतरीन सफर कराने वाले हैं। वेलकम बैक नाजीन, तो शुभ शाम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के, तो ऐसे जो खास मेहमान शाहिद साहब, और शाहिद साहब हमने बहुत सारे पहलुओं पे आपकी बात की, लेकिन अब बताइए कि आप बड़े होके बनना क्या चाहते हैं, क्या इंस्पिरेशंस हैं, क्या एस्पिरेशंस हैं? जी, इस क्वेश्चन से ना मैं अक्सर भागता हूँ। क्या है जी? बिकॉज मुझे मतलब
एक ही गोल नहीं है मेरी जिंदगी में, क्योंकि ऐसे स्टेज भी आए हैं जहाँ पर मुझे लगा, क्योंकि बचपन में इंसान सोचता है कि मैं डॉक्टर बनूं या कोई बोलता है इंजीनियर बनूं, और जब विद पैसे ऑफ टाइम उसको लगता है कि मैं तो गलत बोल रहा था, क्योंकि हम बचपन से ही थोड़ा प्रेशर करते हैं बच्चों को कि तुम्हें ये बनना है, वो बनना है, ये बनना है, तो ये थोड़ा उस कैद में आप नहीं रहना चाहते हैं, जस्ट फ्री, बट अगर लेकिन पढ़ाई को आगे करना, हाँ राइट, आई वांट टू बिकम एन एजुकेशनिस्ट, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं एजुकेशनिस्ट बनूँ, क्योंकि एजुकेशन मुझे एक ऐसी चीज लगी ना जिसके जरिए हम सबको पकड़ सकते हैं, एक एक निशान है ये और आगे सब पलटेगा ये, तो क्योंकि इसमें बहुत सारे फील्ड्स है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हो गया हमारा, गाइडेंस एंड काउंसलिंग हो गई हमारी, इसके अलावा मतलब इसमें हम हर किसी को इंक्लूड कर सकते हैं, एजुकेशन मीन्स नॉलेज, तो इसीलिए मैंने इसको पकड़ा और अब मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, तो जब तक जिंदा हूँ तब तक पढ़ूंगा, और नौकरी के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, बट नौकरी अगर मिल जाएगी तो अच्छी बात है, नो डाउट इन दैट, That is a feather in the cap. और वीडियो एडिटिंग करते करते आज मेरे इतने स्किल्स बढ़ चुके हैं कि मैं अब मूवी भी बना सकता हूँ, बट दूरदर्शन जैसा प्लेटफॉर्म अगर मिल जाएगा एडिटिंग करने के लिए तो मे बी तो हम जैसे लोग एडिटिंग भी करते हैं आप अप्रोप्रिएट, कौन सा सॉफ्टवेयर चलाते हैं? मैं तो मूवी मेकर यूज करता हूँ, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के जो जितने भी ये एडिटर्स है वो यूज करता हूँ, एंड्रॉइड के जितने भी एडिटर्स हैं वो भी यूज करता हूँ, इसलिए काम करते हैं, आप मुझे कोई प्रोजेक्ट देना मैं एडिट करके देता हूँ, आपको सारे सवालों का जवाब, कुछ नहीं होगा, मतलब इन्होंने आपको एक जुमले में सब कुछ बता दिया, जो आने वाला प्रोजेक्ट आपका होगा बस आप वो आप देंगे। मुझे एक चीज बताया कि जब हम कंपैरिजन यूटीएस कर नबरम मुल्कन मन या तो आसो बूजमुत पोर्मुत वगैरह कि तिमन मन फैसिलिटीज तो ये कम तिथ फैसिलिटीज गि ये सी एबलड स्टूडेंट मोहिबीन ये तिमन मोहिबीन गह नहत बिल्कुल वहाँ के डेवलप्ड कंट्रीज तो बहुत आगे है, बहुत ज्यादा आगे है, मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ के कुछ और वीडियोस भी देखता रहता हूँ, तो वहाँ पर क्रॉसिंग के लिए मतलब वो बटन प्रेस करते हैं ट्रैफिक रुक जाता है, आप देखिए अगर ये पॉसिबल है तो हम यहाँ पर इसके मतलब कुछ भी नहीं पॉसिबल कर सकते। जबरदस्त कॉन्सेप्ट, ब्रेल की हम बात करें 1829 में आया है ब्रेल, और तब से आज तक कितने साल गुजर चुके हैं, अभी स्पेशली अगर हम कश्मीर की बात करें कितने विजुअल इंप्रेशन में ब्रेल आता है, बहुत कम है, तो इसको अगर हम फुलफिल नहीं कर पाए गवर्नमेंट यहाँ ब्रेल पढ़ाया जाता है, बहुत कम पढ़ाया जाता है, आपको आता है ब्रेल? मुझे आता है थोड़ा बहुत। अच्छा, आपने प्रॉपरली नहीं, बिकॉज आपकी एक नॉर्मल एजुकेशन मुझे ब्रेल नहीं आता है, और अगर पहले से आता तो बहुत अच्छी बात होती है। क्या ब्रेल की वजह से ज्यादा फायदा मिलता है? बहुत ज्यादा फायदा, बहुत ज्यादा फायदा, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक जो है ना वो खत्म हो जाती है टोटली, क्योंकि विजुअली इंपेयर्ड को स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो वर्ड्स नहीं देख पाता है आंखों से, और इंग्लिश स्पेलिंग तो होती नहीं है ना प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, वो तो डिफरेंट होती है फोनेटिक्स, तो राइट, तो इसलिए विजुअली इंपेयर्ड के लिए वो बहुत ज्यादा चैलेंज है, लेकिन वो पूरा करता है। पर आप वंशुवार है तो सहूलियत जब से एआई आया है आप उसमें बिल्कुल सेट कर सकते हो, इवन दो कि इंडियन इंग्लिश, इंडियन प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है इंग्लिश में, यूके की प्रोनाउंसिएशन याद रहना पड़ता है, लेकिन इमेजिनेशन थोड़ा अच्छा रोल करते हैं इसमें स्पेलिंग के में, स्पेलिंग में जी हाँ। तो बस स्पेशली मैं अभी यही कहना चाहूंगा मतलब कि कंटेंट जो मेरा है उसके साथ अगर लोग जुड़ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, तो शाहिद माहुबीन को आप सर्च कीजिएगा सोशल मीडिया पर, शाहिद माहुबीन SHAHID SPACE MAWHUBIN, तो अगर कोई विजुअली इंपेयर्ड है बस कमेंट कीजिए आप मुझे कि आपको क्या चाहिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी मदद करें, और मेरी तरह बहुत सारे कश्मीर में बहुत सारे विजुअली इंपेयर्ड हैं जो हेल्प करते भी हैं, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारे हैं, तो आई रियली लव देम, तो हमें इसी तरह से कंटिन्यू रखना चाहिए अपना काम ताकि हम एक जैसे एसोसिएशन कर पाए, वालिहन इन बड़े शहरन तो बड़े मुल्कन मन एसोसिएशन मिसाल के तौर पर विजुअली इंपेयर्ड का एसोसिएशन है, तम खास कर नहज पे पम कर लाइन पे कम कर ये तीस कह एसोसिएशन या तुह कह इराद कि इस कह एसोसिएशन बनयु तुम यम पे मामला गसान तम ग देखिए मैं अभी ज्यादा आगे की बात नहीं कर सकता, मैं दिलासा नहीं दे सकता, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो मैं बेस्ट कर सकता हूँ वो मैं करूंगा विजुअली इंपेयर्ड कम्युनिटी के लिए या अदर डिसेबिलिटीज के लिए, इवन जो भी तबका है जिनको डिस्क्रिमिनेशन का फेस करना पड़ता है जैसे कि ट्रांसजेंडर हो गए हमारे, उनके लिए भी मैं कुछ करना चाहूंगा पर्सनली, बट जो
कश्मीर के हम बात करें, यहाँ पर है इंस्टीट्यूट्स जहाँ पर जैसे मैंने कुछ नाम भी सुने हैं, ज़ेबा आपा है यहाँ पर एक, वो इंक्लूसिव एजुकेशन पर बात करती है, तो आई रियली लाइक देम दैट फ्रॉम माय हार्ट, क्योंकि वो एक बहुत बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, मैंने बहुत सुना है उसके बारे में. और नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड है यहाँ पर, बारामूला है, मैं वहाँ पर भी ब्रेल कॉन्सेप्ट वगैरह. इसके अलावा बहुत शुक्रिया आपका शायद, थैंक यू सो मच. मैं वक्त का दामन तंग पड़ गया, आपके पास शेयर करने को बहुत सारा है, इंशाल्लाह फिर मौका मिलेगा, जिंदगी ने साथ दिया, फिर आपको दावत देंगे, फिर कुछ और नहजों पर और जो पहलू है उन पर बात करेंगे. आज प्रोग्राम को मुजयन करने के लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं शायद मोबी. नाजीन अच्छी उम्मीद की उसे जो प्रोग्राम आसमान खेज रोदमुत अस खुद अख इंस्परेशनल अख प्रोग्राम रोदमुत अम सारे कह हेचनस तो मूलमत वसाव, तो बे सारे खुद बोर्ड इस्तकामत अंदर सु जोत जो शाहिद सोबनिस दिलस मन ब्रो पकन तथ पे करो पकन कोशिश अजकिस प्रोग्राम दी इजाजत अल्लाह हाफिज़.